गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज ऐसे ही कुछ रैंडम बात करने का मन किया आपसे। अपने ऐसे दिमाग में कुछ ना कुछ, खाली वक्त में जब भी ऑफिस से लौटता हूँ तो आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ अपनी बातें होती हैं, हम लोग आपसे बातें करते हैं और ट्राई करते हैं कि कुछ नए ऐसे मुद्दे उठाऊं आपके साथ में जिनके बारे में शायद हम सोचते हैं कि हम किसी से बात नहीं करते हैं, हमें करनी चाहिए। अभी रैंडम एक ऐसे ही थॉट आई दिमाग में कि क्या हम मतलब आप एक सिनेरियो सोचिए, आपका एक घर है, आपके घर के बाहर की जो वॉल है आप अपने अच्छी अच्छी फोटो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, बाप के साथ, उनकी फ़ोटो, वो फोटो आप डेवलप करा के क्या बाहर अपने घर के बाहर लगाओगे? आउटसाइड योर वॉल नहीं लगाओगे, क्योंकि कोई चलता फिरता रैंडम बंदा उसको देखेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो बंदा फ्रेम उठा के ले जाए, पूरा फोटो का मिस यूज करे, कहीं गलत जगह पकड़ लिया आपकी फोटो पड़ी, समझ रहे हैं? तो आप ऐसा नहीं करते। बहुत से लोग तो अपनी फोटोज अपने ड्राइंग रूम तक में नहीं लगाते क्योंकि वहां पे बाहर के लोग आते हैं, बैठते हैं, देखेंगे क्यों देखेंगे। कुछ अपनी पर्सनल फोटो होती है, अपने पर्सनल मूवमेंट्स होते हैं, उनकी फोटो होती हैं, लोग लगाते हैं, बेडरूम में लगा लेते हैं। ठीक है, आपको कोई अवार्ड मिला है कॉलेज में, स्कूल में, किसी ने बड़े आदमी ने अवार्ड दिया आपको, तो आप लगाइए, एक बार को लगा लीजिए यार, बहुत मजा। आप खाला पहाड़ों पर घूमने गए हुए हो, बढ़िया फोटो खिंचा रहे बैठे पहाड़ों के नीचे, उसकी क्या जरूरत है लगाने की? घर के बाहर, अंदर की तो बात नहीं कर रहा, अंदर तो आप घर के अंदर उसी को अलाउ करते हैं जो कि शायद आप किसको सोचते हो कि जो आपके बारे में बुरा नहीं सोचते। क्या आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में अलाउ करोगे जो कि आपके बारे में बुरा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते। सेम वे जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप समझो वो अब देखो दुनिया में अब दो तरीके की लाइफ लोग जीते हैं। एक ओरिजिनल लाइफ जो जीता है, जो सुबह जाता ऑफिस करता है, पिटता है, काम करता है, मजदूरी करता है, और जो उसकी एक्चुअल लाइफ है जो कि बहुत ही मोस्ट ऑफ द टाइम काफी खतरनाक दर्दनाक भी हो जाती है। एक वर्चुअल लाइफ भी होती है जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं होते लेकिन हम वैसा बनना चाहते हैं जैसे मूवीज में होता है। हम बनना चाहते हैं, हम ऐसे हीरो की तरह बिहेव करें, हम ऐसे प्लेन्स में घूमें, हम ऐसे पहाड़ों पर जाएं, हम यहाँ ऐसी जगह रहें, वो मूवमेंट हम कैप्चर कर लेते हैं और उनको हम, कभी ऐसा नहीं होता कि ऑफिस में टिफिन खोल के खा रहे अपनी फोटो खींच रहे, हम मैकडी में जाएंगे बर्गर खाते हुए फोटो खींचेंगे उसको पोस्ट कर देंगे। कभी रियल लाइफ की आपने किसी को देखा है फोटो खींच के पोस्ट करते हुए कि ये देखो मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं फोटो खींच रहा हूँ, या ये देखो मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, या ये मैं इस तरीके से मतलब कोई भी रैंडम काम, नॉर्मल काम आप कर रहे हो और वो फोटो खींच रहे हो, ऐसा नहीं होता है। उससे इतना ट्रैफिक है ना, बात करने का मूड ही खराब हो जाती है, लेकिन चलो बात तो कर रहे थे, वो तो करते रहते हैं। तो कहने का मुद्दा ये था कि ऐसा हम नहीं करते हैं और अपनी चीज़ों को पर्सनल रखते हैं। अब होता है क्या है कि दो तरीके की लाइफ आदमी जी रहा है, तो आपको दो तरीके की लाइफ में हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। जो नॉर्मल आपकी ओरिजिनल सोशल लाइफ है उसमें आप उन्हीं लोगों से बातचीत करते हो, उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करते हो जो कि आपके हित में हो या आपको नुकसान नहीं पहुँचाते हो। आप किसी कहते ना कि उससे बात मत करो, बच्चों को समझाते हैं कि उससे बात मत करो, वो गुंडा है या बदतमीज लड़का है, वो गंदे बच्चे हैं, उनसे बात में लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं। हम किसी चोर चक्के से तो नहीं जाकर दोस्ती करते, हम दोस्ती करते हैं अपने स्टैंडर्ड देख के, अपने कुलीग से, अपने साथ के किसी बचपन के दोस्त से या उनके फ्रेंड के फ्रेंड से, या एटलीस्ट जिसकी सेम हमारी लाइकिंग हो, या एटलीस्ट थोड़ा जज करके हम बात करते हैं। इस कैन नॉट बी कि हम रैंडम जाएं और किसी दोस्ती करें। कुछ लोग इतने एक्सट्रीम भी होते हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल पीपल, ऐसा मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था। तो ऐसा भी होता है लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ध्यान रखते हैं कि आप किससे कितनी बात करनी है, क्या करना है, और उस हिसाब से दोस्ती जारी करते हैं। एक सोशल नेटवर्क बनता है आपका और आप उसमें अपनी जिंदगी बिता देते हैं। सेकेंडली एक होता है आपका वर्चुअल नेटवर्क, फेसबुक, ये वो
आदमी अगवा का धमाका, उसमें क्या होता है कि उसमें आप थोड़े से इरिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं। उसमें रैंडम किसी एक्स कॉलेज फ्रेंड के फ्रेंड का जिसका नाम सुना था आपने, उसका आता है फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो आपने लगा रखी होड़। तो मेरे फेसबुक पे तो 400 बंदे 400 फ्रेंड, और आपके कजिन आपके दोस्त के फेसबुक पे सिर्फ 40 लोग हैं। तो ये चुनाव तो हो नहीं रहा है कि 400 लोग आपको वोट देने वाले हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि कोई भी रैंडम आता है, आप सोचिए आप जो कंटेंट शेयर करते हैं, जो अपनी थॉट्स रखते हैं, क्या वो उस लेवल की है कि वो उन बंदों को समझ में आएंगी, या वो उस लेवल के हैं वो आपकी बातों को समझ पाएंगे, या उसको जज नहीं करेंगे आपको। या मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा से बिल्कुल सहमत कभी नहीं होते हैं, और उसी के जो विपक्ष में है उनको अपने फ्रेंड बुक में रख लेते हैं, और कल को आप कुछ पोस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, और वो लोग ओबियसली बात है या तो आपसे लड़ाई होगी, या वो गंदे कमेंट डालेंगे, या वो कहीं ना कहीं आपको मन में बदबुआएं देंगे, गुस्सा करेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब बोलेंगे तो नहीं। तो इज इट नेसेसरी, मतलब यू शुड चूज योर कॉन्टैक्ट्स वेरी वेरी एक्जैक्टली। आप कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार आप रैंडमली जो भी भेज रहा है फ्रेंड कर दिया, टक 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 ऑल डन, मतलब पेज देखा भी नहीं मैं, किसने मतलब कितने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, थोड़ा सा सोचिए। तो मेन चीज होती है कि आप इस तरीके से मतलब फोटो शेयर ना करें, बेटर होता है। शेयर टू गुड पिक्स इफ यू वांट, बट आप बोल देते हैं कि यार ठीक है, आई एम नोटिंग फॉर नेक्स्ट 7 days चिलिंग आउट विद फैमिली, पापा मम्मी भैया भाभी चाचा मामी ताऊ ऑल फैमिली टुगेदर चिलिंग आउट इन गोवा। अबे तेरा घर पूरा खाली पड़ा है, दुनिया भर लगे चोरी वोरी हो जाएगी पीछे से, मजाक तो रखा है, और ऐसा हुआ है, दिस इज नॉट अ जोक, मैं सिर्फ ऐसी फर्जी टोकनी मार रहा हूँ। ऐसे इंसिडेंट मैंने एक्चुअल में सुने हैं कि ऐसा होता है, आदमी ने डाला कि भाई मैं पूरी फैमिली साथ गया हुआ, उनको पता है इनकी फैमिली एक हफ्ते के लिए गई है, वो सब कुछ देख रहा है। अब बातें भी करते हैं, काम वाली को बताइए आपकी पड़ोसी, अरे वो गुप्ता जी क्या पूरी फैमिली गोवा में चिल कर रही है, उसमें सुन लिया, वो बता दे कि वो एक हफ्ते के लिए पूरा फ्लैट बंद है, कोई नहीं आने वाला वहां पे, जब होते तब नहीं आता, जब नहीं है तो कौन आएगा, लकी से आपके घर में कैन हैपन। तो आप क्या शेयर कर रहे हो, क्या लिख रहे हो उसके ऊपर, आप इस ऑलमोस्ट लाइक आप पब्लिकली अनाउंस करते हो। कभी ऐसा महसूस किया है, जब हम लोग मतलब मैं अपना मन की बात बताता हूँ आपको, होता क्या है कि जैसे हम लोग सुबह कभी निकलते हैं गाड़ी में बैठ के और स्टेशन जाना होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारी गाड़ी का जो अंदर सामान रखना है वो ऐसे टाइम पे रखूँ जिस टाइम पे वो देख नहीं रहा हूँ कि भाई मैं बैग और अटैचें लेके जा रहा हूँ। भाई से अपने अपार्टमेंट से निकल के 10 बजे सवेरे निकलता हूँ, और 50 लोग मुझे देखते हैं उस रास्ते में गाड़ी तक जाते रहते पार्किंग में, कि मैं दो बड़े बड़े ब्रीफ केस या बैग लेके जा रहा हूँ, और वो जा रहा हूँ तो मतलब समझ जाते हैं कि यार ये बंदा कहीं जा रहा है, उसमें गाड़ी साफ करने वाला भी होता है, उसमें झाड़ू लगाने वाला भी होता है सोसाइटी में, उसमें ब्रैक वाला भी होता है, उसमें 10 लोग और होते हैं, काम वाली भाइयाँ भी होती हैं, उसमें आपके 2-4 दुश्मन भी होते हैं, दोस्त होते हैं, सबको पता है ये भैया जा रहा है, और 3 लोग जा रहे हैं, 4 रहती जानी पड़ी, मतलब कम से कम 7 दिन के लोग जाएंगे, दिस कैन नॉट बी अ डे ट्रिप। तो आप जब इतना ज़्यादा सोचते हैं, मैं तो सोचता हूँ जिनकी बोल सकते हो आप, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसे टाइम पर रख दो भाई जिससे आदमी को पता ही चले कि ये लोग बात लेंगे। आजकल ऐसे घर तो होते नहीं कि कोई झाँक के घंटे जाकर भागता हूँ, फ्लैट में अगर आप एक ड्राइविंग लाइट ऑन करके चले जाते हैं तो नोबडी कैन इवन गेट टू नो कि आप तो फ्लैट में हैं या नहीं है। तो आई मेक इट अ पॉइंट कि जब मैं जाऊँ तो एक लाइट छोड़ के जाऊँ जल्दी, और होता ये कि हम कभी बताते नहीं हैं किसी को, अभी आप अनाउंस तो ना करते हैं भैया ये मेरा मकान नंबर फलां फलां इस तारीख तक खाली रहेगा, क्योंकि हम लोग एक हफ्ते के लिए वैकेशन पे घूमने जा रहे हैं, अभी कोई भी चिल्लाऊ
इट इज़ नॉट द केस, ऐसा नहीं होता है। वही चीज़ें सोशल मीडिया पे कर रहे होते हो और सबसे ज़्यादा बात कर रहे हो आप, पता नहीं क्या लाइक्स पर हो, कितने लोगों ने लाइक करा, कितने व्यू आए या वड़ा वो भी, तो वो चीज़ बड़ा ही एब्सर्ड है, मज़ा नहीं आता है। ना करें सोशल मीडिया को, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें और ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। और थोड़ा लंबा हो गया वीडियो शायद, मुद्दा मैंने कुछ ज़्यादा ख्याल दिया, लेकिन मेरी आदत है, रास्ता ही बहुत लंबा है एक्चुअली, काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे पहुँचने में, तो मान लेता है अपना दोस्त कभी कभी, क्योंकि बहुत से दोस्त एक बार फ़ोन नहीं उठाते हैं तो टाइम मिल जाता है। Otherwise, I prefer talking with my friends while driving. But आप लोग भी दोस्तों से कम नहीं हो। Love you all. Have a great time. Bye.